अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरी फैमिली समेत हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह पाक बुरी नजर, बुरी घड़ी, बुरे वक्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे। बनाने में बहुत आसान है, आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करके बनाए तो आपका कोरमा भी रेस्टोरेंट स्टाइल से। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया 1/2 kg मैंने चिकन लिया, उसमें जाएंगे पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और पीसी हुई सुरख, ये भी सुरख मिर्च, और हल्दी 1/2 teaspoon, नमक टू टेस्ट है, और इलायची पाउडर मैंने लिया क्योंकि ये जो ग्राइंड करते हैं तो इसमें छिलका रह जाता है, मैंने छिलका साइड पे करके ये पीस लिया, और ये दालचीनी पाउडर है, और 2 अदद मैंने प्याज लिए थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। और इसमें जाएंगे खड़े मसाले हैं जो उनसे, उसमें 6 से 7 लौंग जाएंगे, 10 से 12 काली मिर्चें जाएंगी, और ये बादाम खताई का 1 फूल जाएगा, और ये बड़ी इलायची और 1 teaspoon जीरा जाएगा, और इसमें ये जावित्री और ये कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याली मैंने दही ली है वो जाएगी। पहले जिसमें मैंने अभी प्याज फ्राई की है उसमें ये कड़ी पत्ता 3 से 4 अदद जाएंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और साथ में चिकन फ्राई करूंगी। इसमें साथ चिकन फ्राई करेंगे। तो हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से इन मसालों में, और साथ जो दही था उसके साथ में दूसरे मसाले जो पीसे हुए हैं वो मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। बड़े आराम से, और देखना कि ये बोटी टूटे ना, और मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है चिकन। फ्राई करके और इसी में जो चिकन का अपना पानी है इसको कच्चापन इसी से ख़त्म हो जाएगा ऑयल में। इसे थोड़ी देर दम पे लगा दो, फिर थोड़ी देर बाद फिर हम देखेंगे इसे। अभी जो दूसरा ग्रेटर था वो आपके सामने है, मैं आपको बताती हूँ। इसे फ्राई होने के लिए हम रख देते हैं, ढाँप देते हैं। अब ये कलर हो गया चेंज चिकन का, अब इसमें हम लोग डालेंगे दही। ये जो प्याली दही लिया था हम लोग वो डाल देंगे, बनाई करेंगे इसकी चिकन की। ये बहुत मजे का और बहुत डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल से कोरमा बनेगा इंशाल्लाह। आप हमारे मेरे साथ रहिएगा और मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा, बहुत अच्छी लुक आ रही है। दूसरे मसाले डालेंगे पिसे हुए, ये मैं आपके साथ जो मैंने भी आपको बताए थे जी। अभी हम इसमें पकाएंगे, माशाल्लाह से देखें बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी हमारा कोरमा रेडी हो रहा है, ये देखें माशाल्लाह। अब इसे थोड़ी देर हम इसे ढक देंगे, साथ जो खड़े मसाले हैं वो मैं ग्राइंड करती हूँ, साथ आपको दिखाती हूँ। इसे ढक देते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत शानदार हमारा कोरमा रेडी हो रहा है। अगर घर में दावत रखी गई हो तो ये वाली रेसिपी अपने मैनुअल में ज़रूर रखें, तो कोरमा इतना शानदार रेडी होगा के दावत में 4 चांद लग जाएंगे। इतना टेस्टी देखें रेडी हो रहा है। अभी आपको खड़े मसाले बताए थे वो इसमें डाल के हम रेडी कर लेंगे, इसको मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं।
मसाला ये देखें, ये इस तरह ग्राइंड होगा, ग्राइंड हो गया। अब हम जो डालेंगे ये थोड़ी देर में, कि माशाल्लाह ये हमारा कितना शानदार चिकन कोरमा रेडी हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जब तक चिकन गल ना जाए। बुनाई हमने बहुत अच्छे से की है, और इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, और आगे ऑप्शनल है। तो अब मैं इसमें डालूंगी एक आधा कप मलाई, आधा कप मलाई डाल दूंगी मैं इसमें। अपनी थ्योरी में ऐड कर सकते हैं, अपनी थिकनेस के लिए ये चीजें आप डाल सकते हैं। अब हम आधा कप पानी डालेंगे जिसमें चिकन गल जाए, और 8 से 9 मिनट पकने के लिए रख देंगे। और माशाल्लाह से आप देखें कितनी मजे की, कितनी यम्मी सी रेडी हो रही है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोरमा। आधा कप हमने पानी ऐड कर दिया, इसके बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको, ये देखें मसाला माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना मजे का रेडी हुआ है। अभी हम 8 से 9 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे चिकन। ये आपकी अपनी चिकन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेती है। तो माशाल्लाह से मेरे तो इतना ही टाइम लेगी, और बहुत मजे की और बहुत यम्मी सी रेडी हुई है। मेरी तो भूनते हुए हाफ चिकन बन गई थी माशाल्लाह। अब ये थोड़ा सा मैं 6 से 7 मिनट के लिए दम रखती हूँ इसे। माशाल्लाह देखे कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मजे की, बहुत जबरदस्त सी। अब हम इसमें जो हम लोगों ने सबसे पहले प्याज फ्राई किए थे वो अब हम डालेंगे। और प्याजों को ग्राइंड नहीं करना, हाथों से ना ऐसे चूरा बनाना है इसे। ये फ्रेश प्याज मैंने डार्क गोल्डन किए थे वो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कोरमे में। माशाल्लाह से देखें कितना शानदार, कितना जबरदस्त हमारा कोरमा रेडी हुआ है, और कितनी खुशबू आ रही है, कितनी मजे की। और इसमें हम लोग वो जो खड़े मसाले थे जो हम लोगों ने ग्राइंड किए हैं, अब वो ऐड करेंगे साथ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मजे की, बहुत मैं तो कहूंगी खतरनाक खुशबू आ रही है। आप बनाए अपने ट्राई करें घर में, आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगे। ये मसाला हम ऐड करेंगे जो हम लोगों ने अभी ग्राइंड किया था। और इसमें हम ऐसा करेंगे क्योंकि ये प्याज डाली है तो ये हमारा ये ग्रेवी जो उनसे ज्यादा थिक होगी है, और साथ मसाले भी डाले हैं तो 2 से 3 चम्मच आधा कप कितना अपने आइडिया से पानी डालेंगे, और फिर हम उसे 3 से 4 मिनट दम पे रखेंगे। बिल 4 से 5 टेबलस्पून पानी डालेंगे, जो आप अभी मसाले डाले हैं, प्याज डाला है वो उसके लिए दम पे रखेंगे। और साथ एक चीज और ऐड करेंगे इसमें, कि आपकी अपनी मर्जी है केवड़ा डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स डालने के कईयों को पसंद होता है कि वो, बास को पसंद होता है वो टीस्पून डाल देते हैं केवड़े, और हम मेरी फैमिली को इतना ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि हम लोग केवड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रहे थे। हम इसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे क्योंकि इससे पता चलेगा कि केवड़ा केवड़ा ही है, कहेगा कि कोरमा कोरमा ही है, केवड़ा और कोरमा दोनों की खुशबू माशाल्लाह से लास्ट में मिक्स हो जाएगी। तो बहुत ही मजे का, बहुत ही यमी सा, जूसी सा रेस्टोरेंट स्टाइल कोरमा रेडी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे खानों में बरकत डाले। अभी मैं दम लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखे माशाल्लाह कितना मजे का, कितना जबरदस्त शानदार कोरमा तैयार हुआ है। वो अल्लाह पाक हमारे खानों में बरकत डाले। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे खानों में बरकत डाले।
बहुत मजे का बहुत यमी रेडी हुआ है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और जाते हुए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।